ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने मंदिरों, प्राचीन महलों और करामाती स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रैंड ग्वालियर वह स्थान है जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है। यह अपने ऐतिहासिक किलों और संग्रहालयों के द्वारा आपको अपने इतिहास में ले जाता है। साथ ही साथ यह एक प्रगतिशील औद्योगिक शहर भी है और आधुनिक भारत के इतिहास में ग्वालियर को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि ग्वालियर की स्थापना राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने इस शहर का नाम ग्वालिपा नामक साधु के नाम पर रखा, जिसने राजा के कुष्ठ रोग का इलाज किया था। फ्रेंड, इस शहर का इतिहास 6वीं शताब्दी से लिखा गया है। हर सदी के साथ इस शहर के इतिहास को नए आयाम मिले हैं। महान योद्धाओं, राजाओं, कवियों, संगीतकारों तथा संतों ने इस राजधानी को देशव्यापी पहचान देने में अपना अपना योगदान दिया है। आज ग्वालियर भारत के विकासशील शहरों में अपना मुख्य स्थान रखता है। इसके अलावा ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। फ्रेंड, यह शहर समुद्र तल से 211 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भोपाल से 448 किलोमीटर उत्तर की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है और देश की राजधानी दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड, ग्वालियर शहर का वातावरण बेहद शांत, मन को प्रफुल्लित करने वाला और अत्यंत रमणीय है। यहाँ के लोग काफी मिलनसार एवं सहयोग की भावना रखने वाले होते हैं, जहाँ प्रेम व्यवहार एवं आपसी भाईचारा सर्वप्रथम आता है। फ्रेंड, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ग्वालियर शहर का क्षेत्रफल 4560 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार ग्वालियर की जनसंख्या 20 लाख के लगभग है। ग्वालियर की साक्षरता 77.93% है। महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 862 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 24.41% रहा है। दोस्तों, ग्वालियर एक संभाग भी है जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की तो ग्वालियर के उत्तर में मुरैना जिला, उत्तर पूर्व में भिंड जिला है, पूर्व में दतिया जिला है, दक्षिण में शिवपुरी जिला है और पश्चिम में शिवपुर जिला है। फ्रेंड, महाभारत काल में ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र को गोपराष्ट्र कहा जाता था। ग्वालियर का इतिहास महाभारत के समय से लेकर जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब तक का इतिहास बहुत ही अद्भुत रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्वालियर शहर के खूबसूरत दर्शनीय पर्यटन स्थलों के बारे में, जो लोगों को काफी ज्यादा अपनी और आकर्षित करते हैं। जैसे ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला पूरे देश में प्रसिद्ध है। ग्वालियर किले के अंदर ही बहुत सारी जगह है जो देखने लायक है। ग्वालियर का किला एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत से आपको पूरे शहर का नजारा देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर आकर किले का भ्रमण कर सकते हैं। यह किला बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। हर एक चीज देखने लायक है। यह किला रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्वालियर का किला 3री शताब्दी में बनाया गया था। ग्वालियर का किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर शहर का एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में आपको बहुत सारे प्राचीन वस्तुएं देखने के लिए मिल जाएगी। गुजरी महल प्राचीन काल में रानी मृगनैनी का निवास स्थान था। रानी मृगनैनी राजा मान सिंह की पत्नी थी। वह गुजरी समाज से थी, इसलिए इस महल को गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको तरह तरह के खूबसूरत नक्काशीदार वस्तुएं देखने के लिए मिल जाएगी। गुजरी महल ग्वालियर किले से थोड़ी दूरी पर स्थित है। जयविलास पैलेस। जयविलास पैलेस ग्वालियर शहर में घूमने के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह एक विशाल महल है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस महल में करीब 400 कमरे हैं, जिसमें से 200 कमरे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिए गए हैं और बाकी कमरों में सिंधिया परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ पर आप संग्रहालय में विभिन्न तरह के प्राचीन सामग्रियों का संग्रह देख सकते हैं। यहाँ पर जीवाजीराव महाराजा से संबंधित सभी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चांदी की ट्रेन देखने के लिए मिलती है जो खाना परोसती है। यहाँ पर एक प्राचीन घोड़ा गाड़ी भी है जो चांदी से बनी हुई है। आप यहाँ पर आकर इन सभी चीजों को देख सकते हैं। ग्वालियर जू। ग्वालियर जू ग्वालियर शहर में घूमने का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। ग्वालियर जू को गांधी प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस उद्यान का प्रबंधन ग्वालियर नगर निगम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको कई तरह के जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे झूले भी हैं। यहाँ पर टॉय ट्रेन है जिसमें बच्चे बहुत मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मगरमच्छ, शेर, चीता, भालू, बतख,
बंदर, हिप्पोपोटामस, कोबरा सांप देखने के लिए मिल जाएंगे और भी जंगली जानवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ट्रेन इनके अलावा भी कई सारे खूबसूरत दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।